माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मेला समापन समारोह के अवसर पर हुआ, लेकिन हमारा कहना है कि पहले से इसकी न कोई तैयारी और न कोई कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोग चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कम क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों से बातचीत होती और इस सिमरिया गंगा घाट का जो राजकीय क्षेत्र का दर्जा, मेला का दर्जा हुआ है और इस मेला क्षेत्र में एक महीना से जो हम समझते हैं कि कल्पवासी लोगों को जितना जिस रूप में सुविधा मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से उस रूप में सुविधा नहीं मिली। राजकीय क्षेत्र का मेला का दर्जा जब ये इसको मिला हुआ है और लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है हर साल, तो इसी परिस्थिति में जो आपका मैंने घोषणा आपके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी लगभग 12 करोड़ रुपया इसके रखरखाव और इसके डेवलपमेंट पर, विकास पर, इस क्षेत्र के विकास पर जो खर्चा होना है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक ठंडे बस्ता में है और वो मेटरलाइज नहीं हो रहा है, वो सरजमीन पर उतर नहीं रहा है। इलाके की जो चमक है, जो रौनक है, उसको ख़त्म करने की साजिश के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। क्या लगता है इस चीज़ को लेकर, विधायक हैं तो आप लोग से इस चीज़ पर राय लेनी चाहिए थी? आज सुनिए, हाँ चाहिए था, ये तो अलग बात है। मेला तो एक महीना से, आज तो समापन न हो रहा है। हाँ। मेला पहले जो हुआ उसकी जो साफ सफाई रखरखाव उस पर जितना ये होना चाहिए था, मेरे ख्याल से हम उसमें कमी हमको महसूस हुई है और हम आज मुख्यमंत्री जी से बात भी करते, लेकिन संजोग है कि क्या लगता है पहले, इससे पहले मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था यहाँ इन चीज़ों को समझने के लिए? आना चाहिए था, नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ उनके और लोग तो हैं, उनसे भी तो समझ सकते थे ना। अब क्या कर पाएंगे वो हम नहीं कहेंगे, सरकार का के पास तो सारा हैंड्स उनके पास है, वो कुछ भी कर, मानसिकता का सवाल है।